एक क्वेश्चन के पहला नंबर लिखे चलो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,12 तथा 9,12 तथा 27 का मस और लस ज्ञात कीजिए। मस और लस ज्ञात कीजिए। हो गया, मस और लस ज्ञात कीजिए। देखिएगा बाबू, ठीक है, सॉल्व। चलो क्या करते हैं बाबू, पहले सबसे पहले गुणनखंड ना, तो कितना से 3 से कटेगा, 3 फिर हो गया। चलिए फिर 12 का भी 2 से कटेगा, 6 फिर 2 से 3, फिर 3 से, फिर 27 का 3 से पहले 3 9 27, फिर 3 एकम, फिर 3 एकम, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, देखिए ध्यान समझना, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 × 3 जिसको आ रहा है आप लोग करते रहेगा, ठीक है ना, 3 × 3 × ठीक है, चलिए 3 × 3 कर देते हैं, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बाबू, 12 का तो 2 × 2 × 3 ठीक है। फिर उसके बाद बाबू क्या है, 27 का बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3। चलिए बाबू तीनों में मैच क्या खा रहा है, देखो तो 3 देख लीजिए, यहां पर ये 3 है, देख लीजिए बताइए, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, बोलो बाबू 3 एलसीएम। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, एलसीएम देखो 3 यहां पर भी है, देखो ध्यान समझना बाबू, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो सबसे पहले ये वाला तो एक बार लिखेंगे, और इन दोनों के लिए भी क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर 2 × 2 × फिर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2 का भी कोई किसी में मैच नहीं आ रहा है, ठीक है, इस वाले 2 का भी नहीं और इस वाले 3 का भी कहीं पर नहीं है। अब गुणा कीजिए तो बाबू 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, तो ये 18 हो गया, और गुणा में 3 × 2 = 6, अब 18 × 6 = 8, अब जाके सही हुआ। नहीं नहीं, यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर ये चीज को देखना है कि जब भी 2 बार अगर दिखे, अगर 2 बार भी आएगा तो भी एक बार लिखना है, अगर तीनों में आ जाए तो भी एक बार ही लिखना है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, देखिए बाबू द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। चलो बाबू सॉल्व, देखो इधर जिसको बन रहा है बनाते रहिएगा, ठीक है ना, और जिसको समझना है समझेगा, x² + 7x + 10 हो गया। चलो देखो बाबू, तो गुणनखंड किस पे टूटेगा, ये 5 और 2 पे, x² हो जाएगा, प्लस में देखो 5x + 2x दोनों को जोड़ोगे 7 आएगा, और प्लस में 10। चलो कॉमा निकालो तो बाबू, x कॉमा निकल जाएगा तो बचेगा कितना, x + 5 होगा ना इन दोनों का, अब इससे भी कॉमा निकालो, प्लस में 2 निकला तो क्या बचा बाबू, x + 5। अब देखो इन दोनों को भी कॉमा निकालिए, कितना हो जाएगा x + 5, ठीक है, और इधर जाएगा x + 2। अब 2 भागों में बांट दें तो x + 5 = 0 और फिर x + 2 = 0, अर्थात क्या हो गया बाबू, x = -5 और x = -2, अर्थात α = -5 और β = -2, ये हो गया आपका। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन, देखिए एपी, देखिए एपी, एपी 12, 17, 27, 22 से पहले 22, 27 --++ का पहला पद, का पहला पद एवं सार्व अंतर,
सर्वांतर ज्ञात करें, सर्वांतर ज्ञात करें। तो बताओ बाबू सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले क्या है लिख लीजिए, पहले एपी बराबर कितना दिया गया बाबू 12 17 ठीक है 22 फिर 27। बताइए बाबू पहला पद क्या होगा इसका, ए बराबर 12 सार्वंतर पूर्ण है ना, डी बराबर ए टू माइनस ए वन, ए टू का वैल्यू कितना दिया गया है 17 और 17 में से 12 घटाओगे कितना आ गया 5, क्या गया 5 ठीक है। तो आपका पहला पद हो गया ये ठीक है और सार्वंतर हो गया आपके पास क्या 5, क्लियर है ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी एपी दिया रहेगा तो पहला पद हो गया आपका आगे वाला और जब भी सार्वंतर कहे पिछले पद में से अगले पद को क्या कर दिए घटा देंगे तो आपका मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा सार्वंतर का, किसका सार्वंतर। चलिए एपी एपी बराबर 21 कॉमा 18 कॉमा 15 डैश 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 का डैश डैश का कौन सा पद माइनस 81 है, ठीक है ना, कौन सा पद माइनस 81 है का कौन सा पद माइनस 81 है। तो देखिए बाबू सॉल्यूशन करते समय क्या करोगे देखो तो सॉल्व ठीक है, सबसे पहले एपी बराबर लिख लीजिए 21 दिया हुआ है 18 दिया हुआ है 15 डैश 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 ये है। देखिए इसमें क्या क्या चीज बोल रहा है आपको कि कौन सा पद माइनस 81 है, मतलब आपको दे दिया गया है कोई मान लीजिए इसको है ठीक है ना। पहला पद लिख लेते हैं पहले ए बराबर, देखो बाबू ए बराबर 21 हो गया तो फिर डी बराबर पूछे तो ए टू माइनस ए वन तो क्या करोगे 18 माइनस 21 तो कितना आ जाएगा माइनस 3 आएगा बाबू ठीक। अब बताइए और ए एन बराबर आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है ए एन बराबर माइनस 81 ठीक है, ए एन बराबर क्या दिया है माइनस 81 और पूछ रहा है एन बराबर व्हाट, इन्हें पूछ रहा है ठीक है। लिखेंगे क्या, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है वो फॉर्मूला बोलो, हाँ ए प्लस ठीक है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है। चलो क्या हो जाएगा ए एन का वैल्यू कितना दिया मेरा माइनस 81 ना 81 फिर पहला पद कितना है 21 और प्लस में एन माइनस 1 ऐसे रहने दो ठीक है, डी का वैल्यू कितना है मेरे पास माइनस, क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं इसको इधर ले आए तो माइनस 81 क्या है 81 और माइनस 21 बराबर में एन माइनस 1 ठीक है इंटू में माइनस 3, क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 102 और बराबर में एन माइनस 1 ठीक है इंटू में माइनस 3। अब देखो बाबू इधर क्या करेंगे, इधर माइनस 102 बटा में माइनस 3 अब बराबर में कितना हो जाएगा एन माइनस 1 कटाएंगे, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा 34 बार में, कितने बार में 34 बार में। अब बताइए माइनस इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 34 प्लस में 1 बराबर एन अर्थात एन बराबर कितना हो गया 35, ये हो गया आपका ना लोगे ठीक है। चलिए लिखिए बिंदु, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, बिंदु -5.7 ठीक है, बिंदु -5.7 और -1.3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी ज्ञात करें ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करें माना a बराबर -5.7 और b बराबर कितना हो गया बाबू -1.3 ठीक है ना। चलो अब लोग जानते हो क्या कि x1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू बोलो -5 और फिर y1 बराबर कितना हो जाएगा 7 होगा कि नहीं होगा बोलो ठीक, और इसी प्रकार बाबू x2 बराबर कितना हो जाएगा -1 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 3 होता है ना
ठीक, लिखेंगे इसलिए दूरी सूत्र से, इसलिए दूरी, हाँ दूरी सूत्र से, बताओ आप दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो कुछ करना नहीं है, देखिए ध्यान समझिएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन तो माइनस एक, देखो यार माइनस एक हो गया, माइनस एक अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पांच, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में वाई टू, वाई टू का वैल्यू कितना है थ्री, फिर उसके बाद बाबू क्या माइनस में सात, टोटल का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ठीक है प्लस इसमें क्या हो जाएगा बाबू चार का स्क्वायर, ठीक है प्लस में इसमें क्या हो जाएगा चार का स्क्वायर, ठीक है अब बराबर चार चौके सोलह, अगुणा में चार चौके सोलह, अब मैंने उसने बताया था एक एक चार से क्या देखो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं दो गुणा में सॉरी अच्छा ओह सॉरी प्लस हुआ ना, ठीक है चार का स्क्वायर चार चौके सोलह प्लस चार चौके सोलह, आप इसको ऐसे लिख सकते हो दो गुणा में सोलह है, दो गुणा में सोलह क्योंकि जोड़ोगे तो बत्तीस आएगा, सोलह तो नहीं कहा बत्तीस, और सोलह का वर्गमूल होता है कितना होता है बताओ चार, कितना होता है चार होता है ना, और अंडर रूट का अंडर रूट टू रहेगा ना सही टू, और दूरी है इसलिए इसमें लगाएंगे क्या मात्रक, क्या लगाते हैं मात्रक, यही आपका क्या है ठीक है, लिखिए साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा बराबर में क्या है बाबू बारह बटा में तेरह दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर बारह बटा में तेरह हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉस थीटा बराबर वाट और टेन थीटा बराबर वाट, ठीक है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात क्या है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है तो चलिए सॉल्यूशन करें सॉल्व, देखिए बाबू साइन थीटा बराबर क्या दिया है बारह बटा में तेरह, अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है पढ़े हो लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, तो हमको क्या चीज नहीं है पता भी आधार पता नहीं है, तो आधार निकाल सकते हैं, तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है लंब दिया ना तो लंब का स्क्वायर, बताओ कर्ण का स्क्वायर बोल रहा है तो कर्ण कितना है मेरे पास तेरह का स्क्वायर माइनस बारह का स्क्वायर, अब बताओ तेरह का कितना होता है 169, अभी बारह का 144 होगा ना, ठीक है अब बताइए लेस कीजिए तो बाबू 25 कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ठीक है लिखेंगे बाबू इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर बताओ आधार बटा में कर्ण होता है, बताओ तो आधार का वैल्यू क्या दिया गया है पांच आया है तो पांच, और कर्ण का वैल्यू क्या था ऑलरेडी हमारे पास हो गया चलो, और टेन थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है आधार होता है, बताओ लंब का वैल्यू क्या है मेरे पास बारह, और आधार का वैल्यू कितना आया पांच, ठीक है ये हो गया एक आंसर और एक ये हो गया, लिखिए चलिए बाबू एक पासे को फेंकने पर तीन के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे को फेंकने पर तीन के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है तो चलिए बाबू हम सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, देखिए ध्यान समझिएगा एक पासे को फेंका जा रहा है ना, बताओ बाबू पासे पे जो घटना होती है क्या क्या होता है, या तो एक आएगा या तो दो या तो तीन या तो चार या तो पांच या तो छह, सात नहीं आता है, चलिए अब बताइए बाबू तो क्या बोल रहा है तीन के ऊपर कितनी संख्या है इसमें बोलो तो तीन के ऊपर आने की प्रायिकता एक दो तीन, तो देखेंगे बाबू सबसे पहले क्या बोल रहा है तीन के ऊपर आने की प्रायिकता ना, तो तीन के ऊपर आने, ठीक है तीन के ऊपर ठीक है संख्या आने की प्रायिकता बराबर आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा बाबू संभावित घटना संभावित घटना बट्टा में हाँ कुल घटना, बताओ कुल घटना कितना है इसमें छह, कितना है छह, और संभावित घटना तीन के ऊपर बताओ एक दो तीन क्या हो जाएगा तीन, कट गया कितना आ गया वन बाई हो गया सर, चलिए जल्दी से उतार लीजिए, चलिए लिखेंगे
एक थैले में एक लाल गेंद, ठीक है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक थैले में एक लाल गेंद, एक थैले में एक लाल गेंद, ठीक है, एक थैले में एक लाल गेंद, ठीक है, एक थैले में लाल गेंद, एक थैले में एक लाल गेंद हो गया, एक नीली गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद, एक पीली गेंद, एक ही साइज की है, एक ही साइज की है, एक ही साइज की है, एक ही साइज की है। चुनमुन चुनमुन बिना थैले के अंदर झाके, चुनमुन बिना थैले के अंदर झाके, इसमें से एक गेंद निकालती है, इसमें से एक गेंद निकालती है, एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली है। तो देखिए बाबू ध्यान समझिएगा, बताइए रेड जो है एक है, ब्लू कितना है बाबू एक, येलो भी कितना है एक, ये बताओ, इसलिए कुल गेंद बराबर बाबू, कुल गेंद तो बराबर बाबू क्या हो जाएगा, एक प्लस एक बराबर कितना तीन, कितना हो गया तीन। लेकिन बाबू पीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर, पीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, पहले सूत्र बोलिए, संभावित हाँ संभावित घटना बटा में कुल घटना, कुल घटना बता बाबू, तो कुल घटना कितना है, पहले सबसे पहले तीन को बॉल है इसके अंदर, और तीन में से क्या है बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया गेंद क्या होगा, पीली होगी, तो पीली तो एक ही गेंद है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ एक हो गया, एक बटा तीन यही हो गया आपका, ठीक है। सिद्ध करें कि, क्वेश्चन है क्या, सिद्ध करें कि ठीक है, सिद्ध करें कि कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 23 डिग्री इंटू कॉस 23 डिग्री कॉसेक नहीं, कॉसेक तेज नहीं है बाबू, 42 है ना, 42 डिग्री कॉसेक डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। चलिए देखिए बाबू सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान समझना, सॉल्व देखिएगा, सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे बाबू, पहले कॉस 48 डिग्री कॉस 23 डिग्री, ठीक है, फिर कॉसेक 42 डिग्री, उसके बाद फिर क्या बाबू, फिर कॉसेक 67 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड तो देखिएगा बाबू कॉस 48 ठीक है, फिर उसके बाद कॉस 23 ठीक, फिर कॉसेक 42 और फिर कॉसेक 67। चले बाबू क्या कर दिया जाए, बोलो किसी एक को पहचान कर देखो बाबू, 48 और 42 यह पेयर में है कि नहीं है, बोलो पेयर में है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, बोलो हाँ कॉस को हाँ साइन में, तो किसे आप लोग जानते हैं ना साइन इंटू कॉसेक होता है ना, हाँ चलिए इसको चेंज कर देते हैं, हमें कॉस को ही चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, कॉस ठीक है, कॉस 90 माइनस बताओ कितना 42, कितना कर देते हैं 42 ठीक है, और इसमें हाँ इसको ही कर देते हैं कॉस
हाँ 90 माइनस कितना कटा दे बाबू 67 हाँ 67। अब ये दोनों चेंज कर देते, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरह से छोड़ देंगे। कॉसेक 42 डिग्री ठीक है, और कॉसेक ठीक है 67 डिग्री, इसी तरह से रहेगा ये। चलो अब देखो आप पढ़े हो फॉर्मूला कि भाई कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री हो जाएगा, फिर इनटू इसमें भी क्या हो जाएगा साइन 67 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ठीक है। और इसको लिख देते हैं हम लोग कॉसेक 42 डिग्री और फिर कॉसेक ठीक है 67 डिग्री। तो देखिए बाबू आप लोग पढ़े हो ये फॉर्मूला, ये भी पढ़े हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है वन, क्या होता है वन ठीक है। और उसके बाद बताओ बाबू साइन 60 देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये भी हो जाएगा आपका वन, तो वन और वन में वन मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा वन, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए लिखेंगे सिद्ध करें कि ठीक है cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इक्वल टू वन। क्लियर है, यही आपको सिद्ध करना है ठीक है। तो कैसे करेंगे बाबू बोलो, सबसे पहले देखिए हमने इसको डायरेक्ट करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए डायरेक्ट हम, बोलो सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड बराबर cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री cot 42 डिग्री डॉट फिर cot 67 डिग्री। अब बताइए बाबू cot को हम क्या किसी cot देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है ना, इसको अगर हम 10 में चेंज कर देंगे तो 10 इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है वन होता है ना। तो चलिए तो इसको क्या करते हैं देखो, तो बताना बाबू cot 90 में से कितना घटा देंगे 48 आ जाएगा 42 ठीक है। फिर इसको भी देखो cot 90 में से कितना घटाएंगे 20 क्या आ जाए 23 आ जाए तो 67 क्या कर देंगे 67, क्योंकि आपको देखो यहाँ पेयर दिया है आपको पता चल जाएगा कि किसके पेयर को घटाएंगे तो वही आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो 48 कब प्राप्त होगा जब हम 42 घटा देंगे तब, और 23 कब प्राप्त होगा जब 67 घटा देंगे तब, क्योंकि 90 में से ठीक है। और इसको हूबहू उसी तरह से उतार देंगे cot 42 डिग्री और cot 67 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है बाबू बोलो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो यहां पे लिख सकते हैं ऐसे tan 42 डिग्री ठीक इंटू बताओ फिर यहां पर भी वही आ गया cot 90 माइनस थीटा बराबर हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा tan 67 डिग्री हो गया। अब देखिए बाबू इसको होगा उसी तरह से उतारेंगे cot 42 डिग्री और फिर cot 67 डिग्री, क्लियर है। चलो अब देखो तो बाबू पेयर पेयर से मिलाइए, देखिए cot देखो यहां पर tan थीटा इंटू cot थीटा ये एक जैसा है बोलो, तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा वन, क्योंकि इतना बराबर फॉर्मूला होता है वन, क्या होता है वन। और बोलो बाबू tan 67 और cot 67 इक्वल टू क्या होगा वन होता है ना, तो बताओ वन मल्टीप्लाई वन करोगे कितना आएगा वन ठीक है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, ये भी हो गया आपके पास प्रूफ। कोई दिक्कत, देखिए क्वेश्चन लिखे, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे बाबू। चलो देखिए एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र, जो वृत्त के केंद्र एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र, जो वृत्त के केंद्र से 10 मीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए,
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। देखो फिगर अगर बनाना इसका जरूरी है, देखो ये वृत्त है, वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से क्या कह रहा है बोलो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक ए बिंदु है, कितना बाबू 10 सेंटीमीटर दूरी पर। यहां से एक वृत्त पर क्या डाला गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, और उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो आपको इस त्रिज्या का मान बताना है, ये है मान लीजिए ओ, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्या, अब मान लीजिए ओ, और इसको मान सकते हैं इसको बी, बोलिए ए बी स्पर्श रेखा मान सकते हैं। चलिए तो अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान समझना, चूंकि आपने देखो इसको ए बी बराबर क्या दे दिया, मान लिया मैंने, तो ए बी बराबर क्या है बाबू 8 सेंटीमीटर, और ओ ए बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और ओ बी बराबर मैंने मान लिया क्या आर, क्या है बाबू आर, और आर बराबर क्या है वाट। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा जो होती है उसकी त्रिज्या पर लंब होता है, क्या होता है लंब, अर्थात यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता है। तो लिखेंगे बाबू क्या, समकोण त्रिभुज से लिखेंगे ना, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बनेगा बाबू ए बी ओ में, हो जाएगा ऐसे, तो बताओ ए ओ बी में, बताओ ये हो गया आपके पास क्या आधार, ये हो गया कर्ण, ठीक है, और ये क्या हो गया लंब। तो लिख सकते हैं बाबू क्या, हम लोग को क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो बताओ बाबू आधार बराबर, आप फॉर्मूला लिख सकते हो, आधार बराबर अंडर रूट, हाँ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार मेरे पास क्या है भाई, तो आधार ओ बी है, क्या है ओ बी, ठीक है, और कर्ण क्या है बाबू मेरे पास ओ ए, क्या है ओ ए, और माइनस लंब क्या है मेरे पास ए बी, ठीक है। अब बताओ मेरे सबसे वैल्यू मेरे पास पता है, ओ ए का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 8 का स्क्वायर, और बराबर में बोलो बाबू कितना हो जाएगा 100 का, और माइनस में 64, और बराबर में 36, अर्थात कितना आ गया 6, अर्थात आर बराबर कितना आ गया त्रिज्या, बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, कितना आया 6 सेंटीमीटर, यही आपका क्या है, ठीक है, ये वृत्त की क्या थी त्रिज्या, समझ में आया। तो याद रखना हमेशा कभी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा डाली गई हो तो वह हमेशा क्या होता है वृत्त की त्रिज्या पर लंब होता था, तो 90 डिग्री बनता है, अर्थात इसके सामने जो सीधा रेखा खींचा गया ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है आधार होता है, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगा के आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना, चलिए।